ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके पूरे दुनिया के जो गुरसिख हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने बड़े प्रेम से इस पर्व को मनाया। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर जो सदैवी गुरु है, जो कालजयी गुरु है, हम रहे ना रहे वो गुरु हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे गुरुदेव जी के अंदर नामदेव जी महाराज जी के 61 शब्द, जिसे हम अभंग कहते हैं, ऐसे 61 अभंग भक्त नामदेव जी के गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अलग अलग रागों में वर्णित हैं। और इनकी पूरी जो आयु पर हम विचार करें तो 80 वर्ष की आयु भक्त नामदेव जी की हुई है। इनके समय मोहम्मद तुगलक यह बादशाह था, उनके राज में इनका पूरा कार्य हुआ है। और इनका जो मेन उपदेश था वो एक पंक्ति में अगर हम कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भक्त नामदेव जी को कहते हैं परमात्मा ने, परमेश्वर ने 71 बार दर्शन दिया, 71 टाइम्स, 71 बार भक्त नामदेव जी का और परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थानों के ऊपर जब यह साक्षात्कार हुआ तो जब उन्हें अनुभव आया अध्यात्म का तो भक्त नामदेव जी पुकार उठे, सभय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। प्रत्येक के हृदय में वही राम बोल रहा है, वही परमात्मा बोल रहा है, वही खुदा अल्लाह बोल रहा है और उसके सिवा दूसरा कौन बोल सकता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से, इस प्रकार के इस बात को इस प्रकार से समझा जाए कि भले ही वारकरी संप्रदाय अलग है, सिख संप्रदाय अलग है, हिंदू संप्रदाय अलग है, मानभाव संप्रदाय अलग है, ये सारे संप्रदाय हैं, लेकिन इन संप्रदायों का जो मूल उपदेश है, जो मूल इनका कहना है, जो मूल इनका उपदेश और वाणी है, उस वाणी का अगर हम चिंतन करें तो हमें अंदर से सब एक नज़र आता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझें। आप ऐसी कल्पना करें, एक नदी है, वह बहुत सारे घाटों से बहती जा रही है, नदी का पानी सब एक ही है, लेकिन उसको जाकर के पानी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग घाट बने हैं। जब यहाँ पर आप जाएंगे गुरुद्वारा नगीना घाट का एक घाट है, नगीना घाट है, बंदा घाट है, आगे चले जाइए नाव घाट है, उसके आगे और घाट है, दाहिने तरफ जाएंगे और घाट मिलेंगे। ध्यान से सुने मेरी बात, आप किसी भी घाट से उतरें आपको नदी का पानी वही प्राप्त होगा, चाहे अलग अलग घाट का जो बनता रहे अलग अलग हो, किसके पौड़ियाँ ज़्यादा हो, किसी के पौड़ियाँ कम हो, कोई घाट सुंदर हो, कोई घाट साधारण हो, कोई घाट सीमेंट का बना हो, कोई मिट्टी का बना हो, लेकिन सब में एक समानता है, वो ये समानता है कि हर घाट से उतरने के बाद आपको एक ही नदी का पानी प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ये जो संप्रदाय है, यह सब घाट है, इन घाटों से हम जब उतरेंगे तो एक ही परमात्मा के दर्शन और एक ही प्रभु की प्राप्ति हमें होगी, चाहे आप किसी घाट से चले जाएं। इतनी मन के अंदर हमारे उदारता होनी चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म कोई मजहब किसी से बैर रखना नहीं सिखाता। अगर कोई धर्म कोई संप्रदाय किसी से बैर रखना सिखाता है तो मैं खुले मन से ये कहना चाहूँगा, ऐसे संप्रदाय की इस संसार को कोई आवश्यकता नहीं है जो केवल बैर सिखाता हो, जो द्वेष सिखाता हो, जो नफरत सिखाता हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, उस प्रभु तक पहुंचने का एक ही मार्ग है। जैसे आप गुरुद्वारे जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो आप गुरुद्वारे की विशेषता देखते होंगे कि हर एक गुरुद्वारे को, चाहे वो कैसा भी बना हो, उसको चार द्वार होते हैं। चार द्वार, चार द्वार का अर्थ है कि चारों दिशाओं से वहाँ व्यक्ति आ सकता है, चारों वर्णों से वहाँ व्यक्ति आ सकता है, हर संप्रदाय का व्यक्ति वहाँ आ सकता है, लेकिन एक विशेषता उसमें यह होती है कि प्रवेश करने के लिए
चार मार्ग नहीं होते, प्रवेश करने के लिए एक ही मार्ग होता है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो धर्म के अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन धर्म की जो मंजिल है, धर्म का जो गंतव्य है, धर्म का जो गोल है, वह एक ही है। और थोड़े से समय में, दो मिनट में मैं संकोच करता हुआ उपसहार की तरफ चलूं कि यह बड़ी खुशी की बात है कि आज नांदेड़ के इस क्षेत्र में, इस पावन भूमि के अंदर, यह वार्पकारी संप्रदाय की तरफ से, परिषद की तरफ से, यह बहुत बड़ा एक अखिल भारतीय जो चौथा है वो यहाँ पर संत साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। सुबह भी हमने स्टेज पर, मंच पर देखा। इस अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की विशेषता क्या है? यही विशेषता है कि यहाँ पर सब घाटों के पौड़ियाँ हैं, यहाँ पर सारे संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति है, और सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि यह देश केवल प्रेम से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। यह देश केवल विश्वास से चलेगा, विश्वासघात से नहीं चलेगा। ये सब की हमारी एक सांझी आवाज़ है, ये हमारी एक पुकार है, और उस पुकार को केवल महाराष्ट्र तक नहीं, हमें जन जन तक पहुंचाना है, हमें भारत तक पहुंचाना है, और हमें भारत के पार पूरे विश्व में, क्योंकि संतों ने कहा भविष्य काल में भी हम विचार करें, बड़े बड़े जो मनीषी हुए हैं, आज भी जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सभी का ये कहना है कि आज नहीं कल, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 वर्ष बाद, पूरे दुनिया को अगर कोई अध्यात्म का रास्ता बताएगा तो वो केवल और केवल भारत बताएगा, दूसरा कोई देश नहीं बता सकता। इसलिए भारत के इस पावन भूमि में, महाराष्ट्र की पावन भूमि, महाराष्ट्र में नांदेड़ की पवित्र भूमि में, नांदेड़ के पवित्र भूमि में जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का जो परिसर है, उस पावन स्थान पर यह परिषद हो रहा है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथाह परिश्रम किया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है पर समय हमारा सीमित है, थोड़े समय में अधिक कहा ऐसा समझना जैसे कि मैंने चिट्ठी लिखी आप तार समझना, भूल चुकों की क्षमा। सभी मिलके फिर से मैं एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ मुझे विद्वानों के बीच बोलने का सुअवसर आपने प्रदान किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भूलो चुकों की क्षमा यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यानंतर सत्राचे अध्यक्ष हबप श्री भाऊसाहेब महाराज पाटील यांना मी विनंती करतो की आपले मनोगत व्यक्त करावे। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। वारकरी साहित्य परिषद महाराष्ट्र चौथा अधिवेशन संमेलन या नगरीत आजपासून संपन्न होत आहे। थोड़ा पहिला दिवस असल्यामुळे काही मंडळी वेळेत नाही आल्यामुळे बराच वेळ आपला मोकळा गेला। दोनला व्हायचं सत्र सुरू ते चारला झाले। आज या पहिल्या सत्रामध्ये माझ्या पूर्वीच्या तीन वक्त्यांनी, एक वारकरी संप्रदायाचे जगन्नाथ पाटील आहेत, एक महानुभाव संप्रदायाचे दादा आहेत विजय दादा, आणि शीख धर्माचे ज्ञानी अवतार सिंगजी शीतल आहेत। प्रत्येकाने आपापल्या धर्माचा विचार तो मानवतेला साजेचा असावा। कुठं कुठं धर्म ही अपूची गोळी असं वर्णन केले, पण ती अपूची गोळी न होता एक दिव्यामृत व्हावं
अशी मूळ धर्म स्थापन करताची कल्पना आहे. मग तो कुठलाही धर्म असू दे, कुठल्याही धर्मामध्ये जो मूळचा विचार आहे तो विचार मानव जातीचं कल्याण चिंतण्याकरता काय नेम केले त्याचं नाव आहे धर्म. आणि तो धर्म कुठल्याही मानव जातीला बाधक न होता साधक व्हावा हा विचार समाजामध्ये रूढ करणारे जर कोण असतील तर ते संत मंडळी आहेत. मग ते महानुभाव संप्रदायाचे असतील, शीख धर्माचे असतील, सुफी संत असतील, हा इकडे दक्षिणेकडे काही मंडळी थोड थोड मंडळी असतील, आणि या महाराष्ट्रामध्ये आणि कर्नाटकामध्ये या विचाराची एक मांदी आली, निर्माण झालेले क्षेत्र आहे. इकडे अनेक संत निर्माण झाले, तिकडे अनेक शरण निर्माण झाले. दोन्हीच्या विचारामध्ये बैठक एक, फक्त भाषा भिन्नता आहे. आम्ही भाषेकरता भांडतो पण विचाराकरता भांडणारे संत आहेत. या संतांचे विचार केवळ एका राज्यापुरतं मर्यादित न राहता सर्व भारतभर म्हणण्यापेक्षा सर्व जगामध्ये पसरणं आज गरजेचं आहे. आमचे पूर्वीचे संत मंडळी भारतभ्रमण करत असताना संतांच्या विचाराची देवाणघेवाण करत होते, त्याला सत्संग म्हणायचे. मग हे उत्तरेकडे जातील तर दक्षिणेकडच्या संतांनी विचाराची मंथन बैठक करायची, उत्तरेकडचे दक्षिणेकडे आले तर वादविवाद व्हायचे, आणि सर्वांनी एक सूत्रानं सांगायचं या जगामध्ये अहिंसा नावाचा एक धर्म आहे, विचार नावाचा एक धर्म आहे, आचार नावाचा एक धर्म आहे, आणि सर्वांना समन्वय करण्याचा एक धर्म आहे. हा ह्या विचाराची द्वारा त्या मंथनातून निर्माण व्हायची, आणि ते मंथन दक्षिणेकडलं उत्तरेकडं पूर्वेकडलं पश्चिमेकडं एकत्रीकरण करून भारतभर प्रसार व्हायचा. आज आपण तीन